स्वाभिमानी व्यक्ति हो और वो ये कहे क्या कि नहीं, कोई कहे कि नहीं भैया हम तुझे अपने कपड़े दे दे रहे हैं, हम तुझे गाड़ी दे दे रहे हैं, हम तुझे मकान दे दे रहे हैं, तो लौकिक में भी वो स्वाभिमानी व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं हम भिखारी थोड़े हैं जो किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े को पहने, हम भिखारी थोड़े हैं जो दूसरे के मकान में रहें, हम खुद इसे अर्जित करेंगे। जैसे अपनी सामर्थ्य का मान उसकी भिक्षु वृत्ति को ख़त्म कर देता है, कर देता कि नहीं कर देता, किसका मान, सामर्थ्य की नहीं भाई, हमने आवड़त की कमी थोड़ी है, बुद्धि है, बल है, धन आदि कमा लेंगे, कमाएंगे सो खाएंगे। तो जैसे सामर्थ्य का मान उसकी भिक्षु वृत्ति को ख़त्म कर देता है, वैसे स्वभाव का मान, प्रभुता का मान मोक्ष मार्ग की भिक्षुक वृत्ति को ख़त्म कर देता है। आज सारा जगत मोक्ष मार्ग में भिखारी बनकर आगे बढ़ना चाहता है। अरे भाई, तीन लोक का सर्वोच्च पद भीख में नहीं मिलता, तीन लोक का सर्वोच्च पद भीख में नहीं मिलता, उसके नियम है, धारा धोरण है। ऐसी वो प्रभुता अपने प्रभुता स्वाभी आत्मा के अनुभवन से प्रकट होती है। इसीलिए हमें अपनी सामर्थ्य का मान रखना चाहिए। बराबर क्या में आया कि नहीं है? तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है ये शुद्ध निश्चय में प्रभुता बताता है। तो बोले ठीक है, मोक्ष मार्ग में तो आगे अपने पुरुषार्थ से बढ़ जाएंगे, लेकिन संसार में तो पर के कारण रखड़ रहे ना। हाँ, बोले नहीं अभी गलत व्यवहार में जा रहे थे, अभी गलत व्यवहार में जा रहे हो। अगर मोक्ष मार्ग में जाना अपने पुरुषार्थ से होता है तो संसार में भटकना अपनी भूल से होता है। बोले ये आपने अगर ये नहीं बोलते तो लोग ये कहेंगे कि भाई जड़ कर्म राग के कारण भटक रहे, और राग तो पर है, और राग पर है यानी हमें भटकाने वाला कौन है, पर है कि नहीं, ये बात ख्याल में समझे। अगर ये व्यवहार नय के कथन को ना माना जाए, कौन सा व्यवहार नय का कथन, कि भाई अपने शुभाशुभ भावों का जीव करता है, ये ना माना जाए। थोड़ी देर पहले ही हमने निश्चय से पढ़ा कि आत्मा ज्ञान भाव का ही करता है, लेकिन अगर व्यवहार से इसे ना माना जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आत्मा, हम जैसे प्रमादी लोग ऐसा कहने लगेंगे कि हम भटक रहे किसके कारण, रागादि भावों के कारण, और रागादि भाव क्या हैं, पर हैं, तो पर के कारण हम भटक रहे, हमारा कोई दोष नहीं है। जैसे मैं एक राजकोट में गया, एक भाई ने अभी एक फ्लैट छोड़ के, सामान्य फ्लैट छोड़ के 4-4.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया। बराबर, अब 4-4.5 करोड़ का फ्लैट अच्छा था, भव्य था। अब बार बार एक ही बात कहे, कौन सा, अरे वो तो हमारी इच्छा नहीं, वो तो बच्चों के कारण। बराबर, ऐसे ही एक जगह हम प्रोग्राम में मतलब गए ना, तो बार बार ये कहें कि बच्चों के कारण। तो मैंने थोड़ा और आंखें गड़ा कर उनको देखा तो उन्हें समझ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हमारी भी इच्छा नहीं थी, हमें भी अच्छा लगता है। मैं सीधा बोलो ना, ये बार बार बच्चों को क्यों लेके आ जाते हैं, ये बच्चे बड़ी ढाल बन जाते बड़ों की, पता है, गरबा में जाना स्वयं को है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, वो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अब कितना सत्य कितना सत्य निर्णय हमें खुद करना चाहिए, कोई प्रूफ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि आप अगर आनंदित हो रहे हो तो आपके कारण हो, लेकिन हमें क्या मिल जाता है, सारे
मतलब ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो इस उम्र के जो लोग हैं, अधिकतर लोगों को इच्छाएं अपनी पूरी करनी है और नाम किसका देते हैं है? होटल में हमारी खाने की इच्छा नहीं होती भाई साहब, लेकिन क्या करें, बच्चे छोटे हैं अभी, थोड़ा उनके साथ जाना पड़ता है। ईमानदारी से निर्णय करो, मैं कोई कोर्ट क्लेम नहीं कर रहा इस बात को लेकर, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं इसे सच या झूठ का निर्णय कर पाऊँ, और करना भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम आप समझो। कितनी बार हम जब बच्चों को आगे करते हैं तो क्या वास्तव में बच्चे ही मूल कारण होते हैं कि हमारे अंदर में भी उसका भाव पड़ा हुआ हो? बराबर। और अगर बच्चों के कारण, तो कल के दिन बच्चे कोई ऐसा काम कह दें जो आपके बजट के बाहर हो, आपकी श्रद्धा के बाहर हो, आपके मतलब बॉक्स में ना आता हो, तो वो भी कर देना चाहिए। लेकिन वो नहीं करते हो जिसमें आप मजे में उतना ही करते हो, इसका मतलब है कि बच्चों के नाम से कहीं ना कहीं हम अपने अंदर में पड़े हुए भावों का पोषण करते हैं। धर्म ये ईमानदारी सिखाता, धर्म हमें ये ईमानदारी सिखाता है कि अगर हमें, देखो संसार में रहना वो कोई नई बात तो है नहीं, संसार में रहना ये तो प्रूफ आप हो शरीर के साथ में, परिवार के साथ में, पैसे के साथ में, तो इसमें कोई नई बात कहाँ है कि आप में कोई संसारी भाव नहीं। लेकिन संसारी भावों को डिफेंड करना और अलग अलग तर्क और युक्तियां लगाना, बोले ये ज्यादा बुरा है। अगर पापादिमय प्रवृत्ति हो तो स्वीकार करो कि ना भैया अभी हमारा इतना राग है, ये राग दूर नहीं हुआ है, ईमानदारी प्रशंसनीय है। आज गांधी जयंती है, गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी खूबी यही है, प्रामाणिकता। वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, उनके जीवन की सबसे अच्छी खूबी मुझे ये लगती है, वो अपने प्रति प्रामाणिक थे। तो प्रामाणिकता तो एक मूलभूत खूबी है, तो अगर कमी हो तो कमी बोलो, उससे कम से कम ये तो नक्की हो जाएगा कि भैया बेटे बेटी हमें नहीं घुमा रहे, हम अपने राग के कारण घूम रहे हैं, बेटे बेटी हमसे पाप नहीं करवा रहे, हम अपनी भूल के कारण कर रहे हैं, बेटे बेटी हमें परिग्रह के लिए नहीं प्रेरित कर सकते, हम अपने लोभ के कारण परिग्रहवान हो रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो स्विच मेरे पास है उसे बंद भी मैं कर सकता हूँ। रात के टाइम पे नाइट लैम्प का स्विच, पंखे का स्विच अधिकतर हम बेड के बाजू में क्यों रखते हैं? कि आधी नींद में भी बंद करने की इच्छा हो तो प्रमाद के कारण वो खड़ा ना होना पड़े। ऐसे रखते, अधिकतर ही व्यवस्था होती ना कि जो जो जहाँ पे आपका बेड हो वहीं पे स्विच होते हैं। इतना अधिकार अपने पास कि भाई ऐसा ना हो कि नींद आ रही हो और लाइट जला बुझाने के चक्कर में हम खड़े हों और नींद भाग जाए, है बराबर। पंखा की हवा तेज लग रही हो और बंद करने में आलस हो और उठे तो रात सुबह सर्दी हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ रखो? अपने पास में, पास में रखो। तो ये सुभाषु भाव की ठंडक या जो जो वो भी आपके ही हाथ में है, ये कहकर इस बात की तरफ फोकस करना चाहते हैं कि जैसे शुद्धता में तू अपनी प्रभुता के साथ आगे बढ़ता है मोक्ष मार्ग में, ऐसे ही संसार मार्ग में अपनी भूल के कारण रखड़ता है। क्यों? क्योंकि उन सुभाषु भावों का कर्ता मैं ही हूं, ऐसा। दोनों बातें ख्याल में आ गई? शुद्ध भावों का मैं करता हूं ये कहकर मोक्ष मार्ग की प्रभुता दे दी कि किसी की कृपा से तुम मोक्ष में नहीं जाओगे, अपने बल से जाओगे, और सुभाषु भावों का कर्ता मैं हूं ये कहकर अपनी भूल बता दी कि किसी के कारण तुम संसार में नहीं अटके, अपनी भूल के कारण अटके।
और ये भूल बताने का भी उद्देश्य कोई तुम्हें जेल में ले जाना नहीं है, ये भूल बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि भूल मेरे से हुई है तो सुधरेगी भी, ये बात अंदर में बैठाना। अगर मन में ये बात बैठी होगी कि या तो भूल मेरी ही नहीं है या भूल मेरे कारण से नहीं है, क्या बोला बोलो, दो बातें, या तो भूल मेरी ही नहीं है या मेरे कारण से, मेरी नहीं है ये मानोगे तो सुधारने का प्रश्न ही नहीं होगा, और मेरे कारण से नहीं है ये मानोगे तो पुरुषार्थ नहीं होगा, जिसके कारण से बहुत सुधारे। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में बार बार आता है ना, ऊपर से प्रेशर आता है, अब ऊपर क्या है, कोई ऊपर की व्याख्या है क्या, हम नहीं कर रहे साहब, ऊपर से आया है, अब ऊपर क्या है, पूरा चैनल है, अब ढूंढने जाओ हर काम ऊपर से होता है, हवलदार कह रहा है सब इंस्पेक्टर का प्रेशर है, सब इंस्पेक्टर कह रहा है इंस्पेक्टर का प्रेशर है, इंस्पेक्टर कह रहा है कि कमिश्नर का है, वो आईजी का है ना, इसका ऊपर से आ रहा है। तो जब आप किसी चीज ऐसे, हम भी हमेशा अपनी भूल हो और कहें किसके कारण हो रही, बोले ऊपर से हो रही, तो सुधार पाओगे क्या, तो मेरे में नहीं है तो सुधारने का प्रश्न ही नहीं होगा, और मेरे कारण से नहीं है तो सुधारने का पुरुषार्थ नहीं होगा, और दोनों में क्या होगा, हमारा संसार भरा पूरा रहेगा। इसलिए गाथा कर्तृत्व और भोक्तृत्व के, ये संसार अवस्था का कर्तृत्व और संसार अवस्था का भोक्तृत्व बताकर अपनी वर्तमान दशा बता रही है, और उस वर्तमान दुर्दशा को सुधारने का उपाय भी बता रही है। अगर इसको हटा दें तो निश्चयवासी आ जाए, क्या बोला, ये गाथा को हटा दें तो क्या हो जाएगा, निश्चयवासी, क्योंकि निश्चयवासी की भूल ही है ना कि आप प्रत्यक्ष शरीर आदि संपन्न हैं, लेकिन क्या मानता है, मैं तो सिद्ध हूँ, प्रत्यक्ष अल्प ज्ञान सहित है, राग आदि सहित है, और क्या मानता है, मैं सिद्ध हूँ, तो सिद्ध ऐसे थोड़ी होते, सिद्ध तो सिद्ध शिला में होते हैं, समझ में आया कि नहीं है, है? ये तो अटला गाथाओं में करा भी, ये तो ये कहती कि जो आ गाथा ना आपिए, ये पहली गाथा खोटी छे एम नथी, निश्चय नैनी दृष्टि जुदी बात, अने निश्चयाभास, हाँ ये वर्तमान संसार ने गणतो ज नथी, आम पोते आम कहेवाय ने, अमृतचंद आचार्य नी भाषा में बात करिए तो खीर खांड खाई ने घेन में बोले छे हूँ शुद्ध छूँ, पंचस्ती गाय की टीका में लिखा है बात, जो निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी जो टोडरमल जी साहब ने विस्तार किया उसका मूल उन्हें पंचस्ती गाय टीका में मिला, खीर खांड खाई ने आम, अरे ऐसे मेरे जीवन में लोग देखे हैं, आम भोजन में थाली लगी, आ तो बहुत ठीक है, आपने तो सिद्ध चाहिए दूध पाको लाओ ने, એટલે કહે છે પણ માન નથી, બબડે છે એને કહો ને, બબડે છે, આ લાવ ને પેલો લાવ ને, અને કોઈ કુછ બોલે અરે આ તો બધું વ્યવહાર છે આપણે તો સિદ્ધ જ છીએ, એ બડબડા સિદ્ધત્વ કી દ્રષ્ટિ ખ્યાલ મેં આયે, સિદ્ધત્વ સ્વભાવ ખ્યાલ મેં આયે, और फिर सिद्धत्व बोले तो कहलाएगी, सही सही बात है कि भाई जैसे जब मैं बोलता हूँ कि मैं करोड़पति हूँ तो मेरी दृष्टि मेरे प्रॉपर्टी पर जाती है कि दो फ्लैट हैं, इतनी ज़मीन है, ऐसी गाड़ी, इनके कारण मैं करोड़पति हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं सिद्ध हूँ तब मेरी दृष्टि जाती कहाँ,
क्या हमारा पूरा सिद्धत्व रागादि की स्थापना के लिए है कि रागादि को जड़ मूल से हटाने के लिए है? ये अंतर यहां पड़ जाता है। तो बराबर ख्याल में आया? तो ये जो अगर गाथा को नहीं, और मैं बार बार कह रहा हूं, कुंदकुंद आचार्य देव की शैली है कि दो पांच गाथा निश्चय की देते हैं और फिर एक आध स्पीड ब्रेकर दे देते हैं, फिर दो पांच गाथा आगे देंगे, फिर एक स्पीड ब्रेकर। क्यों? क्योंकि उन्हें दो के बीच में चलना है, उन्हें लक्ष्य से भी नहीं हटाना और पर्याय दृष्टि भी नहीं करवाना, प्रमाद में भी नहीं लेके जाना और पर्याय दृष्टि भी नहीं करवाना। निश्चय की बात करके लक्ष्य क्लियर कर देते हैं, बराबर, और लक्ष्य को लेकर जमीन से हट जाओ इसके लिए फिर से व्यवहार की स्थापना कर देते हैं। फिर जमीन में, हम तो जमीन के क्या, अरे नहीं तो जमीन का कीड़ा नहीं है, तू तो मोक्ष गगन में उड़ने वाला पंक्षी, फिर निश्चय की बात करते हैं और फिर उड़ते उड़ते जमीन को भूल जाए तो फिर व्यवहार की स्थापना करते। पूरा समय सार इसी शैली में लिखा है। इसलिए जो ये कहते हैं कि समय सार में व्यवहार की बात नहीं है, उन लोगों ने समय सार पढ़े ही नहीं। पक्ष वाले भी ऐसे ही बिना पढ़े बक बक कर रहे हैं और विपक्ष वाले भी बिना पढ़े बक बक कर रहे हैं। पक्ष वाले भी जो बार बार कई बार के ना ना समय सार तो निश्चय का ग्रंथ है, व्यवहार को जड़मूल से हटा दिया है, उनके लिए भी 50 गाथाएं हैं इसमें व्यवहार की। और विपक्ष वाले तो वो भी पढ़े भी नहीं बोल रहे हैं, निश्चय का ग्रंथ है, व्यवहार का लोप कर देता है। अरे सद व्यवहार की स्थापना करता है, जिसका अभाव है वो तो मिथ्यात्व है। मैं पर का करता हूं ये मान्यता सदव्यवहार नहीं है, ये क्या है? मिथ्यात्व। तो मैं अपने ज्ञान स्वभाव का करता हूं ये निश्चय है एक बार, और दूसरे नंबर पे क्या बोला? मैं पर का करता नहीं हूं, बराबर, और अगर पर को करता माने सो मिथ्यात्व। तो व्यवहार कहाँ गया? बोले व्यवहार से अपने सुभाषु भावों का करता हूं, और वो भी किसके लिए? संसार की सिद्धि के लिए। संसार की सिद्धि किसके लिए? क्योंकि संसार को सिद्ध करोगे तो ही तो संसार के अभाव का उपाय करोगे। ये लगभग वैसे ही है जैसे जब भी कोई खोज होती ना, खोज, और डॉक्टर्स लोग खोज करते हैं, तो जिस बैक्टीरिया या वायरस के कारण वो बीमारी हो रही है ना, उसको खोज लेते हैं ना तो भी बहुत खुश होते हैं। आपको पता है कभी भी ये दवा बनती है, वैक्सीन बनती है, बराबर, तो ये डॉक्टर वर्षों तक मेहनत करते हैं लैब में, किसके लिए? खोज करने के लिए कि भाई मलेरिया हुआ है, प्लाज्मोडियम के कारण हुआ, ये इस बैक्टीरिया के कारण हुआ, ये इस वायरस के कारण हुआ, और जैसे उन्हें मिल जाता है ना इस कारण से हुआ, तो इतने खुश होते हैं कि जैसे समाधान मिल गया हो। अब कोई कहेगी अभी तो तुमने बैक्टीरिया ढूंढा है, दवाई थोड़ी ढूंढी। बोले अगर बैक्टीरिया मिल गया तो दवाई भी। अच्छा बताओ, सही बताओ अपूर्व भाई, आप बताना डॉक्टर का आजकल बड़ा काम क्या है? रोग खोजना कि रोग का इलाज करना? इलाज तो गूगल पे उपलब्ध है, रोग खोजना महत्वपूर्ण है। अगर आप वास्तव में देखा जाए कोई भी रोग के बारे में, रोग को आप प्रॉपरली, आपको पता हो कि मुझे ये बीमारी है, तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आपको दवा मिल जाएगी। ख्याल में? और इसीलिए दवा देने का काम सबस्टैंडर्ड गिना जाता है, रोग खोजने का काम मेन कहा जाता है। इसीलिए विदेशों में डॉक्टर केवल रोग खोजता है, दवा तो फार्मा वो वाला देता है, बी फार्मा वाला। अपने यहाँ पे डॉक्टर दोनों काम कर देते। आपको पता है, ये तो उनको ज़्यादा पता होगा। अपने यहाँ डॉक्टर दोनों काम कर देते, दवा भी लिख देते हैं, क्योंकि उनका भी कमीशन होता है ना फिर।
यही दवा लेना, इसी कंपनी की लेना, दूसरी मत लेना, और दूसरी ली तो फिर मेरे पास नहीं आना। लेकिन पहले डॉक्टर का मेन काम क्या होता है पता है? रोग का को खोजना। और अगर आपने एक बार रोग खोज लिया तो निदान खोजना बड़ी बात नहीं। ऐसे ये संसार का रोग है, इसकी खोज यहाँ कराई जा रही कि भाई तुम हम सब संसार के रोग से रोगी हैं। क्यों? क्योंकि ये रागादि भाव में पड़े हुए हो और वही पढ़ते हो तो उसके फल को भोग रहे हो। तो यही कर्ता बनना और भोक्ता बनना, कर्ता बनना और भोक्ता बनना, ये संसार के रोग की निशानी है। जैसे जिंदा व्यक्ति की क्या निशानी? सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, बराबर। ऐसे ही संसार का रोग इसकी क्या निशानी? बस बार बार रागादि भाव करता है उसका फल भोगता है, रागादि भाव करता है उसका फल भोगता है। तो जो भी रागादि कर रहा हो और उसमें आनंद मान के फल भोग रहा हो, वो कौन से भाव से दूषित, कौन से रोग से दूषित है? संसार के रोग से दूषित। तो संसार की स्थापना किसके लिए? संसार के अभाव के। जैसे डॉक्टरों ने बैक्टीरिया खोजा किसके लिए? बैक्टीरिया के कुल जानने में उन्हें कोई रस नहीं था, बैक्टीरिया का अभाव कैसे किया जाए इसके। इसीलिए यहाँ पर कुनकुन आचार्य ने भोक्ता शब्द बहुत कम बोला है, लेकिन यह स्पष्ट रूप में भोक्ता शब्द का वेद अगो देखो, गाथा पढ़ो जरा एक बार। जे भाव जीव गाथा देखो अब है ना, आत्मा जे शुभ के अशुभ भाव ने करे छे, ते भाव ने ते खरेखर करता थाय छे। जो बराबर कि वो भाव मेरे ही हैं, अन्य के नहीं, क्योंकि अन्य के भावों का फल मैं नहीं भोगता। खरेखर का मतलब यहाँ ऐसा समझना कि ये भाव व्यवहार के हैं, तो आज जैसे लोक व्यवहार होता है मेरा नहीं है और मेरा कहा जा रहा है, ऐसा व्यवहार नहीं है यहाँ, ये मेरे ही में हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे में हो रहे हैं तो मैं इनका फल नहीं भोगूंगा। जाति भिन्नता है लेकिन हुए तो फल भोगना ही पड़ेगा। ये लगभग अभी जैसे फैल रहे ना मच्छर, मच्छर वाले रोग बहुत फैल रहे हैं। मच्छर अपनी जाति के हैं क्या? नहीं है। अपनी जाति के नहीं है तो भी आपको काटे तो फल भोगोगे कि नहीं भोगोगे? कि जिसकी जाति का है वो भोगेगा। मच्छर को मलेरिया नहीं होगा, मच्छर से मलेरिया होगा। किसको होगा? मुझको। ऐसे ही राग और ये मेरी जाति का नहीं है, लेकिन जब भी मैं राग करूंगा तो फल कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा। जाति भिन्नता के कारण फल से दूरी नहीं होती, ये लाइन ख्याल में आई? नहीं तो आप ये कहो कि नहीं राग मेरा है, नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, ये कहकर खूब राग करते जाओ तो फल मेरा नहीं, फल मेरा नहीं, ये नहीं कह पाओगे, भोगना ही पड़ेगा। और मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ में बात कर रहा हूँ, राग मेरा नहीं है ये जान करके भी उतना ही राग में प्रवर्तन करना जितना फल को भोग सको। ये सब मुमुक्षुओं से बहुत निवेदन करता हूँ, जड़ की क्रिया मेरी नहीं, पर की क्रिया मेरी नहीं, ये बात सही है लेकिन भेद ज्ञान के लिए है, जड़ और पर में पढ़ने के लिए नहीं। और अगर जड़ और पर में पढ़ रहे हो तो उतने ही पढ़ना जितना फल भोग सको। फल भोगने की जरा सी सामर्थ्य नहीं विनोद भाई अभी लोगों में, जरा सा पाप को मैं तो वास्तव विचार करता हूँ, थोड़ा सोचना, गंभीरता से सोचना, पहले लोगों की कितनी प्रतिकूलता थी लेकिन लोगों का स्टेमिना अच्छा था।
सास की सुन के, जेठानी की सुन के, अड़ोसी पड़ोसी की सुन के, समाज की सुन के, पचासों लोगों की सुन के भी अपना काम कर लेते थे। और आज स्टेमिना कैसा हो गया, एक सामने आए ना तो छोड़ ही नहीं देते। बाप बेटे की नहीं सुन रहा, सास बहू, बहू सास की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन, कोई किसी की नहीं सुन रहा। पहले 50 लोगों के साथ में भी वो नित्य काम कर लेते थे, अब माथे के दुखावे के कारण भी स्वाध्याय छूट जाता। पहले लुटेरे पूरा धन वैभव लूट के चले जाते थे तो भी कोई बात नहीं, फिर से सृजन कर लेगा, ऐसी हिम्मत वाले होते थे, होते थे कि नहीं होते थे। और आज ऐसा है कि जरा सा कर्जा बढ़ जाए सब घात कर ले। समझ में आया? 50 लोगों के साथ में भी मैंने लोगों को आनंदित देखा है, और शॉर्ट टेम्पर अति रागी एक आ जाए ना तो रोग की चिंता से आधा मर जाए। सत्य है कि असत्य? इसीलिए कह रहा हूं कि अब हम लोगों में पाप उदय को सहन करने की क्षमता बहुत कम बची। बनारसी दास जी जैसे नहीं हम कि 3 बार रोड पर आ गए और 3 बार करोड़पति बन गए तो भी नाटक समय साल लिखा गया है? है वो विचार करके देखो, 3 बार विवाह हुआ, 7 पुत्र पुत्रादि हुए, 9 पुत्र पुत्रादि हुए, सब मर गए तो भी शांत रह गए। बोलो, ऐसे हम नहीं हैं कि इतने पाप के उदय में खड़े रह सके। इसलिए बंद समय चित जाना चाहिए। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जड़ है, पर है, ये है, वो है, बराबर, कल के दिन उदय भोगने की तैयारी हो तो करना। और उदय भी पता नहीं कब आएगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी अपने को। जैसे कि योद्धा होता है ना, उसे पता है कि भाई अब युद्ध होने वाला है तो तैयार रहता है कि अब आ जाए तो। अब उदय तो ठिकाना नहीं, इस पर्याय में आएगा कि अगली पर्याय में आएगा, होश ठिकाने हो तब आएगा कि होश ठिकाने नहीं हो तब आएगा। अरे जिस बुद्धि बल से, जिस धन बल से हम कर्मोदय के सामने लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, हम कर्मोदय के सामने किसका लड़ने की प्लानिंग? भाई कोई बीमारी होगी, कोई चिंता नहीं, अपने पास पैसा पड़ा है ना, इलाज करवा लेंगे। अच्छा, कर्मोदय बीमारी के रूप में आई नहीं, वो किसके रूप में आया? कि तुम्हारा पैसा ही चला गया, अब क्या करोगे? जिसको आप साधन मान रहे हो कि नहीं हम कर्मोदय से इसके बल से लड़ जाएंगे, है ना, कुछ बल है कि नहीं है? धन का बल हो सकता है, परिवार का बल हो सकता है, नहीं नहीं ये सब लोग हैं ना, ये सब मेरे साथ रहेंगे तो मैं टिका रहूंगा। पाप को उदय वो ही चले जाए, तेरे साथ ही तुझे छोड़कर चले जाए। नहीं नहीं पंडित बुद्धि में जब जिनवाणी सुनी ना, इसके बल से टिका रहूंगा। अरे तेरे पाप को उदय ऐसा है कि दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, तब क्या करेगा? शरीर ठीक है तो सब कर लूंगा। पाप को उदय ऐसा है कि शरीर में ही पैरालिसिस हो जाए, तब क्या कर लेगा? मतलब कोई पाप के उदय का ठिकाना है क्या? इससे ऐसा ही आएगा, वो करुणानियोग में है, लेकिन हमारे ज्ञान में है क्या? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? इसीलिए भैया, जिसके बल से हम कर्मोदय से लड़ने की सोचते हैं वो खुद कर्मोदय की देन है, उससे कैसे लड़ोगे? और आत्मा के बल से सोचो तो आत्मा की दृष्टि तो हुई नहीं, तो समय सार दो जगह काम कर रहा, आत्मा की दृष्टि करा के पुरुषार्थ बढ़ा रहा, बराबर, और साथ ही साथ आत्मा की दृष्टि करने से अपने आप पाप छूट जाते हैं तो कर्म बंध को ढीला कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, एक तरफ आपका पुरुषार्थ बढ़ रहा है और एक तरफ कर्म बंध ढीला। जैसे आपकी दुकान चलती हो अच्छी तो कितना भी कर्जा हो सब चुक जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता?
मुद्दा ये नहीं कितना लोन है, सबसे ज्यादा लोन वाला तो सबसे ज्यादा कम बात की बात है, गौतम अडानी है लाख करोड़ का लोन लेकर बैठा है, पता है आपको? नहीं पता? ओहो, आपको तो यही पता है कि एक नंबर की आदमी है, लेकिन एक नंबर का कर्जा वाला भी इतना लोन, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। लाखों का लोन भी चुक जाएगा क्यों? दुकान चल रही है। मतलब अभी एक दिन तो मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें ये बताया कि इन केस अगर ये कुछ डिफॉल्टर हुआ ना, तो भारत की इकोनॉमी दसियों साल पीछे चली जाएगी, इतना ज्यादा इसके ऊपर कर्जा है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? अभी तो बस चल रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे आपका व्यापार अच्छा चलता हो तो बड़े से बड़ा कर्जा क्या हो जाता है? उतर जाता है। और व्यापार नहीं चल रहा हो तो स्कूटर का हफ्ता ना भर सको आप। आई कि नहीं ये बात समझ? सेम बात यहां पर, आप तत्व ज्ञान में हो, आपके भयंकर कर्मोदय का कर्जा उतर जाएगा, और एक तत्व ज्ञान से रहे तो स्कूटर का खर्चा, मतलब समझ गए ना, कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, वो भी नहीं चुका पाओ। तो समय सर बहुत बचा रहा है आपको। आप इससे समझो जरा कि देखो, एक तरफ आत्मा का बल देता है और दूसरी तरफ आत्मा के बल से परिणामों में निर्मलता देता है। तो निर्मलता के कारण पुण्य बंद होता है, बाहर की परिस्थितियां अनुकूल होती जाती हैं, अंदर का पुरुषार्थ बढ़ता है। और अज्ञानी क्या हो रहा है? अज्ञानी को आत्मा का बल नहीं तो बल भी नहीं है, और पाप में पड़ा है तो निरंतर कर्म बंद हो रहा है, तो और बंटर डार हो रहा है ना। देखो एक खरेखर करता था जे ते भाव तेनो कर्म थाय अने ते आत्मा तेनो भोगता थाय, उसका भोगेगा भैया, इसलिए उतने ही पाप करना जितनी भोगने की सामर्थ्य। और अगर भोगने की बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है तो भगवान कहते बिल्कुल भी पाप मत करो। अपनी आत्मा में रहो, बराबर। इसीलिए इस भाव को कहते हैं प्रसम भाव, संवेग भाव। क्योंकि हमें संसार से भय लगता है, संसार से भय इसलिए लगता है कि हमारे पास इतना पुरुषार्थ नहीं है कि संसार के कार्य और संयोग वियोग में भी इससे रह सकें। इसलिए जिन भावों से संसार बढ़े वो भाव ही नीचे, हमें संसार से भय लगता है। जानबूझ के खड्डे में पड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी, इसलिए अपने आप संवेग भाव आता है। कौन सा भाव? संवेग भाव। संवेग भाव का मतलब क्या? संसार से भय लगना। प्रसम भाव मतलब कषाय की शांति, उपशांतता। संवेग भाव मतलब संसार का भीरूपना। संसार के योद्धा जो संसार बढ़ाने में लगे हैं, कभी विचार भी करते हैं इनका फल कैसे भोगूंगा? बहुत बहुत विचारनी बात है। चल ठीक है, अपन पढ़ते हैं। भूतानो अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होवा छतापण आ लोकमा जे आ आत्मा अनादि कालना अज्ञान ने लीधे परना अने पोताना एक पणाना अध्यास थी मंद अने तीव्र स्वादवाड़ी पुद्गल कर्मना विपाकनी बे दशाओ वड़े पोताना विज्ञान घन रूप स्वभाव ने भेद तो थको अज्ञान रूप शुभ के अशुभ भाव ने करे छे। अबे जो क्या लाइन बोली यहाँ पर जरा समझो कि मेरा स्वरूप कैसा? तो अविचलित विज्ञान घन एक स्वाद, कि जिसके अंदर में क्या है? निरंतर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अविचलित।
मतलब ये दूध तो होता है ना, ये एक अंतर बता, एक दिन तक अगर आप उसे गर्म ना करो तो कैसा स्वाद हो जाता है उसका, चले। लेकिन आत्मा का स्वाद कैसा, कि अनंत काल से आज तक आत्मज्ञान में उसे उबाला नहीं तो भी ये वो नहीं हो, ये वो नहीं हो, ये वो नहीं हो। ये संसार के सारे रस चलित चरणानियों को बताया जाता ना, चलित रस नहीं खाते, चरणानियों को बताते ना चलित रस वाली चीजें नहीं खाते, चलित रस समझ गए ना, रोटी है उसमें स्वाद बदल गया, दाल है खट्टी हो गई, दूध है खट्टा हो गया, चलित रस जैसे अपन बोलते बिगड़ गया उसे नहीं खाते, क्यों, खटास बुरी है ना, खटास तो इमली में ज़्यादा है, नींबू में ज़्यादा है, तो खट्टी दाल क्यों नहीं खाते और उसी दाल में नींबू डाल के खट्टा करते हो। प्रॉब्लम खटास से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दाल में खटास आई कहाँ से, स्वभाव से नहीं थी और तो भी खट्टी हुई, मतलब उसमें फॉरेनर आ गए, जीव आ गए। अब जब हम बाहर की वस्तुएं का सेवन करते हैं कई बार तो उसमें तो इतना एसेंस डाल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि उसका ओरिजिनल स्वाद क्या था। तो जगत की वस्तु कितनी चलित रस भक्ष नहीं है, ऐसे रागादि भाव भी चलित रस हैं, इसीलिए भक्ष नहीं। और जैसे जो वस्तु जैसी है वैसी भक्ष होती, वैसे ही भगवान आत्मा अविचल स्वभाव वाला है, इसीलिए ग्राह्य है ऐसा। पोतानो अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होवा छता, अनंत काल पहला आत्मा ज्ञानमय हतो, आजे केवो छे ज्ञानमय, अनंत काल पछी केवो रहेशे ज्ञान, एक स्वभाव। आ आत्मा अनादि कालना अज्ञान ने लीधे, सेने लीधे, अज्ञान के कारण क्या करता है, अब अनादि से ज्ञान स्वभावी में हूँ और अनादि से अज्ञान भी हूँ, ज्ञान स्वभावी भी हूँ और अज्ञान भी हूँ, ये दोनों एक साथ कैसे, बोले ज्ञान स्वभाव होते हुए भी अपने आप को ज्ञानमयी नहीं मान, ये अज्ञान है। जैसे तल की खली और तेल दोनों एक मेक हैं कि अलग अलग, अलग अलग हैं। आज आपको मूंगफली में तेल अलग से नहीं दिखता, लेकिन तेल और मूंगफली अलग अलग, तो फिर क्यों, क्योंकि अनादि से तुमने हमने एक पिंड के रूप में देखा, मूंगफली दिखी तेल नहीं दिखा। लेकिन कोई भी जो ऑयली सीड होता है उसमें 30-35% ही तेल होता है, 60-75% तो वो होता है खली, और वो तेल हर एक में होता है, मिर्ची में भी तेल होता, चने में भी तेल, हर चीज में तेल होता, ऑयली सीड में परसेंटेज ज़्यादा होता और बाकी में कम। मैं अभी मणिनगर गया था, मणिनगर में तो मणिनगर में जिनके यहाँ पर रुका था ना, उनके यहाँ भी नेचुरल चीज़ों में से तेल निकालते हैं। हाँ उनके उनके संजय भाई के लड़के बोले मिर्ची में भी तेल होता है 5%, केसर में भी तेल होता है, हर चीज में तेल होता है, चने में गेहूं में सब में तेल होता है, लेकिन इतना कम प्रतिशत होता है कि हम सामान्य प्रकार से अलग नहीं कर पाते, लेकिन मशीनें आ गई वो अलग कर देती हैं। अब समझना, एक पिंड रूप दिखने के बावजूद भी अलग अलग हैं कि एक में एक है, अगर अलग अलग हैं तभी तो अलग अलग होती, एक में होती तो खली और तेल अलग अलग कैसे होते। जैसे एक पिंड रूप मूंगफली में तेल और खली एक साथ रहते हैं लेकिन तो भी अलग अलग हैं, अब वो जो घाची होता है उसे अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए वो उसको निकाल के अलग कर देता है। ऐसे ज्ञानी को शरीर और आत्मा अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए वो तत्व ज्ञान के कोलू में
ज्ञान स्वभाव को और उसको अलग अलग कर दे। लेकिन अज्ञानता क्या है हमारी, कि जिसने दोनों को अलग अलग देखा नहीं हो वो दोनों को एक में ही मान ले। वो कहेगा नारियल कहाँ तेल है इसमें, मूंगफली कहाँ तेल है इसमें, मिर्ची में तेल था, हम कहाँ मान रहे थे, मैं भी नहीं मान रहा था। लेकिन उन्होंने बताया 5% तेल होता है उसके, यानी 100 ग्राम आपने मिर्ची खाई तो 5 ग्राम मिर्ची का तेल भी खाया। मिर्ची का तेल बोले कैसा होता है, बोले एक दिन लग जाए ना तो 3 दिन तक वो वहां पे बढ़तरा होगा, 3 दिन तक वो जलेगा, इतना तेज होता है। ऐसा तो एक साथ अनादि से मैं भिन्न हूं और अनादि से भिन्न होते हुए भी मुझे एक मेक पने का अभ्यास हो रहा है, ऐसा बराबर। मंद ने तीव्र स्वाद वाड़ी पुद्गल कर्मनी विपाकनी बेदशाओं वड़े। अब जब अनादि से मैं कर्म के संयोग में आ गया तो मुझे दो ही चीजें दिख रही हैं, कभी पुण्य भाव की भर्ती, कभी पाप भाव की भर्ती, कभी पुण्य भाव की ओट और कभी पाप भाव की ओट। यानी मेरे अंदर में क्या चल रहा है, पुण्य और पाप के ज्वार बांटे चल रहे। मैं ऐसा समुद्र हूं जिसमें पुण्य पाप के ज्वार बांटे नहीं, इसकी मुझे प्रतीति नहीं। समझे? अच्छा मुझे बताओ, भर्ती ओट के कारण समुद्र समुद्र है क्या, कि अपनी अनंत गहराई के कारण? ऐसे ही प्रभु, पुण्य पाप के कारण तू जीव नहीं है, तू अनंत गुणों के कारण, लेकिन अनंत गुणों में दिखते नहीं, हमें क्या दिखता, बढ़ती ओर दिख रही बस। हाँ हाँ बेदशाओ बड़े मंद बेदशाओ पोता ना स्वाद ने भेद तो थको, कि ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव उसका तो ध्यान होता नहीं है, और पुण्य पाप की बढ़ती तो अपने स्वाद को भेद दिया, पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर में ज्ञान स्वभाव भी पड़ा हुआ। सच बताओ, पुण्य पाप से रहित भी हमारा कोई ऐसा समय खोजो जहाँ शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, सहजता हो। अनादि से शुभ अशुभ में ऐसे उलझे हैं कि सहजता मुझे ख्याल में नहीं आती। ये है शुभ की अशुभ भावने करे छे ते आत्मा ते वक्ते तन्मय पणे ते भावनो व्यापक हुआ थी तेनो करता तन्मय पणे, कि जो सुभाव रूप हुआ तो उस समय उसकी वो द्रव्य के वो गुण की पूरी पर्याय उस रूप हुई, ऐसा नहीं कि अधूरी हुई, और जब अशुभ भाव रूप हुआ तो उस द्रव्य की उस गुण की पूरी पर्याय। जब पानी को गर्म करते तो उसका एक एक प्रदेश गर्म होता है, और जब पानी को ठंडा जमा देते हैं तो उसका एक एक परमाणु जम जाता है। ऐसा थोड़ी कि आधा जमे और आधा पिघले, आधा गर्म हो आधा ना हो। तो जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित हो रहा वो उस समय तन्मयता के कारण वैसा है, ऐसा तेनो करता था है। अने ते भाव पण ते वक्ते तन्मयपणा व्याप्य होवाती तेनो कर्म थाय छे। जैसे पानी ही गर्म हुआ और पानी ने ही गर्माहट को प्राप्त किया, व्यापक भी पानी और व्याप्य भी पानी, व्यापक पानी है और गर्माहट व्याप्य है, ऐसे ही आत्मा करता है और रागादि भाव कर्म है, तो व्याप्य भी वही है और व्यापक भी, लेकिन किस दशा में, अज्ञान दशा। ज्ञान दशा में कैसा, ज्ञानमयी है ऐसा। वणी ते आत्मा ते भावनो भावक होवाती अनुभवनार अर्थात भोक्ता पण थाय। अग्नि गर्माहट पानी का स्वभाव नहीं है, लेकिन गर्म पानी अगर किसी के ऊपर गिरे तो वैसे ही जलाता है जैसे अग्नि जलाती है। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं? गर्माहट पानी का स्वभाव है क्या, नहीं है, लेकिन चाहे अग्नि में हाथ डाल के जलो या गर्म पानी में झुलसो, दोनों में जलन।
वही आत्मा उसका भोक्ता भी बनता है। अने ते भाव पण ते वक्ते तन्मयपणाने लीधे ते आत्मानु भाव्य होवाथी भोग्य थाय छे। एटले करता पण ए ज छे अने भोक्ता पण ए ज छे, करतामां कर्म पण ए ज छे अने भोक्तामां भोग्य पण ए ज छे, ए ज छे। अहींया ए वात अहींया व्यवहारनी सिद्धि माटे करेल छे।